हाय गाइस, एक मिनट रुको। क्या आप इंस्टाग्राम रील्स को वायरल करने के पीछे भागते हो? क्या आपको ये पता है कि इंस्टाग्राम फोटोज भी वायरल होता है? नहीं। अरे होता है। नहीं, पहले मेरा ये फोटोज देख। अभी आप सोच रहे होंगे कि डेविड भाई हमें टाइटल एंड हैशटैग के बारे में ही बताएगा। नहीं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक करोगे, मेरा तो 1 लाख फॉलोअर्स भी नहीं है। जिन भाई लोगों का 2-3 लाख फॉलोअर्स है, वो सब आईडी से ज्यादा मेरे फोटोज में लाइक ज्यादा होगा, अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो। मैं नहीं मानता। वही तो सीक्रेट है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के बाद आपके फोटो में भी हजार एंड लाखों में लाइक आएगा। तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखो भाई, हमारे फोटोज में टाइटल एंड हैशटैग की जरूरत है, जो 2 मिनट लगता है वो कर लिया करो। इससे अलावा भी कुछ पॉइंट है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। नंबर 1, जब लोग हमारे फोटोज को देखे तो क्या करता है, पहले तो लाइक करते हैं, नहीं तो स्क्रॉल कर देते हैं। तो मेन पॉइंट इधर ही है, जब लोग हमारे फोटोज को देखे तो स्क्रॉल ना करें, हमारे फोटोज को थोड़ा टाइम देखे एंड हमारे फोटो में बने रहे कुछ टाइम या कुछ मिनट। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, जब भी आप अपनी फोटोज को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो तो 3-4 फोटो को एक साथ ऐड करके आप पोस्ट करना, जिससे क्या होगा, कोई भी लोग अगर आपका फोटो देखेगा तो वो फोटो देखने के बाद और एक देखेगा, जिससे क्या होगा, अपनी फोटो में ज्यादा टाइम रहेगा और वो फोटो सर्च लिस्ट के टॉप में रहने की चांसेस ज्यादा होता है। अभी है मेन पॉइंट नंबर 2, ये आप ध्यान से समझना, ये ट्रिक मैं खुद फॉलो करता हूँ। अपनी फोटोज को पोस्ट करने टाइम आप टाइटल को लगाओ या ना लगाओ वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप 2-3 हैशटैग लगा लेना, वो भी अपनी फोटो की कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप नेचुरली फोटोज क्लिक कर रहे हो तो नेचुरल टाइप के कुछ हैशटैग डालना, अगर आप कुछ मॉडलिंग कर रहे हो तो उसी टाइप के कुछ हैशटैग ऐड करना। उसके बाद एक प्यारी सी सॉन्ग ऐड करना है जो मैं खुद करता हूँ। और हाँ, अगर आप सॉन्ग को ऐड कर रहे हो तो मन से ऐसे ही ऐड नहीं करना, पहले समझो आपके फोटो किस कैटेगरी का है, अपनी फोटो किस टाइप का है, उसी हिसाब से सॉन्ग लगाओ। अपनी फोटोज को माइंड पे रख कर उसके बाद आप सॉन्ग को ऐड करना। पहले तो इस वीडियो के बाद मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर एक बार चेक करना, मैं जितनी भी फोटोज को पोस्ट करता हूँ उसमें जितनी भी सॉन्ग होता है वो सब सॉन्ग कोई भी अगर रैंडम बंदा अगर सुनता है ना, वो फोटो आएगा, जब वो सॉन्ग प्ले होगा तो स्क्रॉल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सॉन्ग की जो फर्स्ट लाइन होता है ना, वो सुनने के बाद भी और एक लाइन सुनने का मन करता है, जिससे क्या होता है, वो फोटो में बहुत टाइम बने रहता है। तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी एक बार चेक जरूर करना, जिससे आपका आइडिया होगा। और मैं सॉन्ग ऐसे ऐड करता हूँ जैसे फोटोज के साथ एक फील आता है। अगर आपका फोटो कुछ सैड टाइप का है ना, तो आपको सैड सॉन्ग लगाना है। अगर आपका फोटो कुछ क्रेजी पोजेस है तो उसी टाइप के आपको सॉन्ग ऐड करना है, जिससे क्या होगा, आपके फोटोज के साथ वो सॉन्ग मैच होना चाहिए। पहले तो आप ये फोटोज देखो, इसमें जो मैंने सॉन्ग ऐड किया इसको मैं एकदम 2 सेकंड आपको प्ले करके सुनाता हूँ। देख सकते हो इस फोटोज के साथ ये सॉन्ग ऐसे मैच कर रहा है, मतलब इसी फोटोज के लिए ये सॉन्ग बनाया है ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए इस फोटो में जो लाइक है ना वो 8 लाख प्लस है, और इसका जो व्यू है वो 22 मिलियन। तो अब समझो इस फोटो में लाइक इतना आया क्यों, क्योंकि इस फोटो को पहले आपको समझने की जरूरत है। इस फोटो में मैंने क्या समझाया, मत भीड़ में एक अकेला बंदा और फूल लेके खड़ा है, क्यों, क्योंकि दिल से टूटा होगा। तो इसी तरह से मैंने एक शेट सॉन्ग ऐड किया और इस सॉन्ग के साथ इस फोटो को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके गया और वायरल भी हो गया। इसी फोटो के वजह से मेरे इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स गेन हुआ। चलो मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। इस फोटो में मैंने सॉन्ग ऐड किया और इस फोटो में जो लाइक है वो आप देख सकते हो, और इस फोटो में मैंने सॉन्ग ऐड नहीं किया और इसमें जो लाइक है ये भी आप देख लो। इस फोटो की कंपेयर, इस फोटो की एडिटिंग भी बेस्ट है भाई। फोटोज में सॉन्ग ऐड करके मुझे इतना तो क्लियर हो चुका है, फोटो की जो फीलिंग होता है उसी हिसाब से अगर आप कोई न्यू सॉन्ग जो अभी अभी है, मतलब अगर पुराना भी हो अच्छा सॉन्ग हो तो अगर आप ऐड करते हो, अगर आपके फोटोज को कोई लाइक भी नहीं करता फिर भी वो सॉन्ग सुनेगा, अगर आप फर्स्ट लाइन सुनने के बाद और एक लाइन सुनेगा। कभी कभी क्या, मैं खुद क्या करता हूँ, कोई फोटो आ जाता है और उसमें सॉन्ग होता है तो वो फोटो सामने होता है लेकिन वो सॉन्ग प्ले होता है ना, तो मैं फोन रख देता हूँ, मतलब वो सुन लेता हूँ। ऐसे ही लोग भी करता है एंड अपनी फोटो को ज्यादा टाइम वॉच करता है, जिससे क्या होता है, अपनी फोटो सर्च लिस्ट के टॉप में रहते हैं और आपका फोटो वायरल हो जाता है और उसमें लाइक भी बहुत आ जाता है। तो आज का इस वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल में आज पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।